इस गेम में आ चुका है कॉम्बो हीरो इवेंट। इस इवेंट को कंप्लीट करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपका भाई है ना आपको बहुत इजी तरीके से कंप्लीट करके बताएगा और आप भी इजी तरीके से कंप्लीट कर लोगे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर न्यू आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और पास में जो बेल आइकन आता है उसे भी ऑन करके ऑल पर सेट रख देना है। अब इतना काम आपने कर दिया होगा तो थैंक यू, अब मैं आपके लिए काम करता हूँ, चलते हैं कॉम्बो हीरो इवेंट में। सो गाइस यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, लेवल 1 और लेवल 2, ये जो है ट्यूटोरियल है। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पर एरो आएगा मतलब फिंगर आएगा वहाँ पर क्लिक करके आप लेवल 1 और लेवल 2 को इजी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में बात नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे लेवल 3 में। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको 3 स्टार ही लेना है, सभी लेवल्स में आपको 3 स्टार चाहिए तभी आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा। अगर आप गलती कर देते हो तो पर भी कोई बात नहीं, गलती जो हो गया है उसको कैसे ठीक करें ये भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको 3 लेवल में क्या करना है आपको बता देता हूँ, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जिस जिस पे मैं क्लिक करने के लिए बोलूंगा उसी पे आपको क्लिक करना है, ज्यादा आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो लेवल 3 में आपको एक्टिव स्किल में जो है स्टेफी कैरेक्टर को चूज करना है और पैसिव स्किल में जे पैप्स कैरेक्टर को चूज करना है, फिर कंफर्म में क्लिक कर देना है और यहाँ पर फाइट वगैरह करोगे तो आपका हो जाएगा विन। यहाँ पर ग्रेनेड फेंका आपको नहीं लगा, डैमेज आपको मिला 3 स्टार और यहाँ पर आपको रिवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट लेवल चलते हैं, उसमें क्या करना है लेवल 4 में आपको बताते हैं। लेवल 4 में एक्टिव स्किल में A1-4 कैरेक्टर स्किल और पैसिव स्किल में आपको यूज करना है जोटा कैरेक्टर, फिर कंफर्म में क्लिक कर दोगे तो इसमें भी आपका हो जाएगा विन और आपको मिलेगा 3 स्टार और आपको मिल जाएंगे लेवल 4 का रिवार्ड्स। लेवल 5 स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको एक्टिव स्किल में धीमित्री कैरेक्टर स्किल और पैसिव स्किल में आपको थीवा और कपेला कैरेक्टर स्किल यूज करके कंफर्म में क्लिक करके फाइट वगैरह करना है, इसमें भी हो जाएगा आपका विन और आपको 3 स्टार मिलेगा और लेवल 5 का जो रिवार्ड्स है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लेवल में आपको क्या करना है, लेवल 6 में, इसमें आपको एक्टिव स्किल में उकोंग कैरेक्टर स्किल यूज करना है और पैसिव स्किल में लुकवेटा और मैक्सिम कैरेक्टर स्किल को यूज करके कंफर्म में क्लिक करके फाइट करना है, इसमें भी आपको 3 स्टार मिलेगा और आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। अब चलते हैं लास्ट लेवल 7 लेवल में, तो इस लेवल में आपको 3 स्टार लेने के लिए एक्टिव स्किल में तत्सुए कैरेक्टर स्किल यूज करना है और पैसिव स्किल में केली कैरेक्टर यूज कर लेना है और आपको लूना कैरेक्टर भी यूज कर लेना है, फिर यहाँ पर फाइट वगैरह में आपका होगा विन और आपको मिलेगा 3 स्टार। तो यहाँ पर आपको मेन रिवार्ड में वाउचर्स मिलेंगे और जो कैरेक्टर मिलेंगे आपको वो मिलेंगे आपको 7-7 दिनों के लिए, तो कैरेक्टर ज्यादा काम का नहीं है, वैसे भी आप कैरेक्टर को गोल्ड कॉइन से एक्सचेंज करके ले सकते हो फ्री में। तो वाउचर्स लेने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया, जिस जिस कैरेक्टर को मैंने यूज किया है स्किल में उसको आपको यूज करना है और आपको 7 लेवल कंप्लीट करके वाउचर्स ले लेना है, वाउचर्स भी कोई कम नहीं होता, वाउचर्स के थ्रू आपको अच्छे अच्छे रिवार्ड्स भी मिल जाते हैं। तो बाकी यही था इस इवेंट में, होप करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, चैनल पर न्यू आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।